गरीब समोसा वाला ट्रेन रेस्क्यू। कई साल पहले एक गांव में रघुवीर नाम का एक रिटायर प्रिंसिपल हुआ करता था। एक बार रघुवीर के पास एक लड़का आकर, श्रीमान रघुवीर जी नमस्कार, मेरा नाम प्रताप है, आपके पास पढ़ाई सीखने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ किसी को पढ़ाई नहीं सिखा रहा हूँ ना, और वैसे मैं रिटायर हो चुका हूँ, कोई कॉलेज में ज्वाइन हो जाओ। सर मुझे सब पता है, इसलिए आया हूँ। आप जैसे ज्ञानी लोगों से शिक्षा मिले उससे ज्यादा क्या चाहिए। मैं एक गरीब हूँ, सुबह के समय समोसा बेचा करता हूँ, स्कूल की फीस भरने की क्षमता नहीं है, लेकिन आप पढ़ाओगे तो जितनी भी मुश्किल हो आपको फीस दूंगा। रघुवीर प्रताप के दृढ़ निश्चय को देखकर ठीक है कहकर मान गया। इस तरह प्रताप सुबह के समय रेलवे स्टेशन में समोसा बेचा करता था और शाम को रघुवीर के पास पढ़ाई सीखता था। एक शाम रघुवीर, देखो प्रताप, आज मैं तुम्हें साउंड और टर्बुलेंस के बारे में सिखा रहा हूँ। साउंड एक वेव फॉर्म में होता है, वो वेव फॉर्म को अगर तुम समझ गए तो मशीन से आए शब्द को सुनकर तुम कह पाओगे कि वो मशीन सही से काम कर रहा है या नहीं। इस तरह रघुवीर प्रताप को साउंड के बारे में कई बातें सिखाया। हमेशा की तरह प्रताप सुबह के समय समोसा बेचने तैयार था। इतने में एक ट्रेन वहाँ आई। समोसे भाई, समोसे, गरम गरम समोसे, कहते हुए समोसा बेचने लगा। प्रताप के बहुत जोर से कहने पर भी कोई समोसा नहीं खरीदा तो ट्रेन कंपार्टमेंट में चढ़कर, सर समोसा सर, गरम गरम समोसा सर, कहकर समोसा बेच रहा था। बाबू एक प्लेट समोसा देना, प्रताप समोसा दे रहा था। इतने में ट्रेन शुरू हो गई। प्रताप उसे समोसा देकर पैसे ले लिया। अरे ट्रेन तो बहुत तेजी से चल रही है, आने वाले स्टेशन में उतर जाऊंगा, सोचा। इतने में टीटी आया और प्रताप को देखकर, क्या रे कंपार्टमेंट में बेच रहे हो, नहीं बेचना करके नहीं पता क्या, कम से कम टिकट तो है तुम्हारे पास, निकालो पैसे, निकालो, फाइन भरो, टिकट के बिना ट्रेन में चलोगे। यूं डाटा, सर सर प्लीज सर, समोसा बेच रहा था सर, उतने में ही ट्रेन चालू हो गया सर, नेक्स्ट स्टेशन में जरूर उतर जाऊंगा सर। रे मेरे सर्विस के दौरान तुम जैसे कई लोगों को देखा हूँ, भरो फाइन भरो, यूं डांटने लगा। इतने में ट्रेन में से एक अजीब सी आवाज आने लगी। सर ये क्या सर, ट्रेन में से एक अजीब आवाज आ रही है। ट्रेन पटरी पर तेजी से जाए तो शब्द आना मामूली बात है रे, पहले फाइन भरो। नहीं सर, ट्रेन शब्द में और अभी आने वाले शब्द में बहुत ज्यादा फर्क है, कहकर पास वाले चेन को खींच लिया। टीटी तब बहुत गुस्सा होकर, रे इतनी हिम्मत तुझमें, मेरे सामने ही ट्रेन की चेन खींचोगे, चलो तुम तो गए, जेल में भेजूंगा तभी तुम्हें अकल आएगी, कहकर उसे पकड़ा। इतने में ट्रेन ड्राइवर वॉकी टॉकी पर, हेलो हेलो टीटी जी, आगे यहाँ ट्रेन की पटरी टूटी हुई है, समय पर चेन खींचने के कारण हमारी ट्रेन बच गई, सब सुरक्षित हैं। वो बातें वॉकी टॉकी पर सुनकर टीटी प्रताप से, रे तुझे कैसे पता चला कि ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। मेरे मास्टर ने सिखाया है कि मुझे साउंड पर निर्भर होकर अंदाजा कैसे लगाना है। रे जीवन में तुम जैसे लोग ही ऊपर आकर हिस्ट्री बदल देते हैं, टी बेचने वाला मोड़ी पीएम बन गया, पेपर बेचने वाला कलाम प्रेसिडेंट बन गया, सॉरी रे मुझे माफ करो, कहकर वहाँ से चले गया। कुछ दिनों बाद वो बात पेपर में आई। रघुवीर वो देखा और अपने शिष्य प्रताप से, बहुत गर्व महसूस हो रहा है रे, तुम जैसे ही हर कोई अपने सीखे ज्ञान को जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो ये देश बहुत आगे बढ़ेगा। इस तरह वो गरीब समोसा वाला ट्रेन को बचा लिया। जायंट चिकन लॉलीपॉप। दौलताबाद नाम के गांव में दामोदर नाम का चिकन लॉलीपॉप बेचने वाला व्यापारी रहता था। उसका व्यापार ठीक ठाक ही चलता था। उसकी पत्नी दमयंती उससे, ओ जी और कितने दिन हम यू चिकन लॉलीपॉप के भरोसे ही जिएंगे, हमारा व्यापार नुकसान में चल रहा है, और कोई दूसरा व्यापार करे क्या जी। मुझे सिर्फ पकाना ही आता है, अब एक नया काम सीखना मेरे से नहीं होगा। ऐसा है तो लॉलीपॉप को और थोड़ा अनोखे तरीके से बनाएंगे जी। मुझे समझ में आए, ऐसा कहो ना। ओ जी हम एक जैन चिकन लॉलीपॉप को तैयार करेंगे, तब सारे गांव के लोग उसे देखने भागते हुए आएंगे और अपने सेल्स भी बढ़ेंगे ना जी।
आइडिया तो अच्छा है, मगर एक बड़ा सा जायंट चिकन लॉलीपॉप बनाना मामूली बात नहीं है। हमें उतनी बड़ी जायंट मुर्गी कैसे मिलेगी? कोई चमत्कार होकर बहुत बड़ा सा जायंट मुर्गी मिले तो ही हम जायंट चिकन लॉलीपॉप बना सकते हैं। ऐसा बड़ा जायंट मुर्गी को बनाना वाला कोई साइंटिस्ट मिल जाए तो ही हम एक जायंट चिकन लॉलीपॉप बनवा सकते हैं। ऐसे कहते ही इनके बातें सुनकर उनकी बेटी माधुरी वहाँ आकर, पिताजी मेरी पढ़ाई जेनेटिक्स के बारे में ही है ना, मैं थोड़े फॉर्मुलास का उपयोग करके जेंट मुर्गी बनाने में आपकी मदद करूंगी। क्या बेटी तुम क्या कह रही हो, तुम जेंट मुर्गी बना सकते हो क्या? तुझे वो फॉर्मूला पता है क्या? नहीं पिताजी, मगर मैं ट्राई तो करूंगी। मेरे लिए आप थोड़े मुर्गियाँ लाइए, मैं अपने घर के सीक्रेट लैब में एक जेंट मुर्गी को बनाऊंगी। दामोदर उसके लिए थोड़े मुर्गियाँ लाकर घर के बाहर छोड़ दिया। मालिनी दिन रात एक करके अपने लैब में कई तरह के फॉर्मुलास को मिलाकर एक नया सॉल्यूशन को तैयार करके वो इंजेक्शन को ले जाकर घर के बाहर मौजूद छोटे मुर्गियों को दी। बस वो मुर्गी एक बड़े से जायंट मुर्गी में बदल गया। वो देखते ही दामोदर आश्चर्य हो गया, बाप रे बहुत बड़ा जायंट मुर्गी, सक्सेस सक्सेस, मेरी बेटी जीने से कहकर पुकारने लगा। पिताजी पिताजी पुकारिए मत, लोगों को अपना सीक्रेट पता चल जाएगा। आप चुपचाप वो मुर्गी को काट कर ड्रेसिंग करके उसे बहुत बड़ा जेन चिकन लॉलीपॉप को तैयार करिए। ठीक है मालिनी, छोटे मोटे मुर्गी के चिकन लॉलीपॉप मैं अकेला ही तैयार कर लूंगा, मगर इतना बड़ा चिकन लॉलीपॉप तैयार करने के लिए मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं कर भी सकता हूँ या नहीं, डर लग रहा है मुझे। ओ जी, आपको चिकन लॉलीपॉप बनाने में कई सालों का अनुभव है ना, आप लॉलीपॉप अच्छा बना लेते हो, आप बनाइए, चाहे तो मैं और मालिनी आपकी मदद करेंगे। बसे अगर आप दोनों मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं कोई भी काम यूं ही कर दूंगा। पहले उतने बड़े चिकन लॉलीपॉप को बनाने में बहुत ज्यादा मसाले की जरूरत है, आप पहले वो मसाले को बनाने के सामान को खरीदिए। दमयंती मालिनी मुन्ना नाम के सेठ के पास गए। मुन्ना जी हमें 2 टन चिकन मसाले का सामान चाहिए। बोलते ही शॉक होकर मुन्ना, क्या उतना मसाला क्यों? क्या करने वाले हो, पूरे गांव को दावत देने वाले हो क्या? नहीं तो ये पूरा जिले को कोई डिनर पार्टी देने वाले हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है मुन्ना जी, मेरे पिताजी एक बड़ा सा चिकन लॉलीपॉप बनाकर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे है। क्या वैसे भी तुम्हारे पिताजी का बिजनेस नुकसान में ही चल रहा है ना, अब ये दिखावे की जरूरत क्या है? फिर भी 2 टन मसाले के लिए कितना खर्चा होगा पता है? इतने पैसे कैसे आएंगे तुम्हारे पिताजी के पास? सेठ जी, मेरे शादी के लिए पिताजी ने जो पैसे जमा किए हैं, उन पैसों से खरीदेंगे। आप उतने भारी मसालों को मंगवा सकते है या नहीं? नहीं तो बोलिए, हम दूसरे दुकान जाते है। आपको जो करना है करिए, मुझे क्या, मुझे मेरा व्यापार चलना चाहिए, पैसे देकर सामान ले जाइए। मालिनी थोड़ा एडवांस देकर घर आ गई। मुन्ना सेठ लॉरी भरकर मसाले भेजा। उन मसालों को सीढ़ियों की मदद से वो चिकन लॉलीपॉप को अच्छे तरीके से लेप करके वो मुर्गी के नीचे आग लगाए। वो देखकर गांव के लोग, हे दामोदर, दुनिया में सबसे बड़ा जायंट चिकन लॉलीपॉप तैयार कर रहे हैं, ऐसा सुना है, चलिए चलिए देखते हैं। ऐसे गांव के लोग बात करने लगे और उस जायंट चिकन लॉलीपॉप को देखने आए। उनके आंखों के सामने सबसे बड़ा चिकन लॉलीपॉप तैयार होकर रेडी था। उसे दिखाते हुए, प्यारे गाँव वासियों, इतने सालों से मेरे होटल में चिकन लॉलीपॉप खरीद रहे आपको, मेरे शॉप के 50 साल होने के अवसर पर मैंने आपके लिए दुनिया में सबसे बड़ा चिकन लॉलीपॉप तैयार किया है, ये तुम सबको फ्री है, आइए सब प्लेट्स लेकर आइए। कहकर सीढ़ी चढ़कर वो जायंट लॉलीपॉप को काटकर एक एक को प्लेट में परोसने लगा। वो खाते हुए गांव के लोग, मैं ये चिकन लॉलीपॉप को देखकर ये कोई खिलौना है सोचा था, मगर ये असली चिकन है रे। वैसे इतना बड़ा चिकन लॉलीपॉप को इन्होंने कैसे बनाया, इतना बड़ा मुर्गी इन्हें कैसे मिला? ये सब सुन रहा मुन्ना, वह सब छोड़ो, पहले ये चिकन ठंडा होने से पहले खाओ, ये चिकन बहुत टेस्टी है ना, ये चिकन इतना टेस्टी होने का कारण मेरे मंगवाए हुए मसाले हैं। कहकर खुद की वाहवाही करने लगा। चुप जाओ मुन्ना सेठ, तुम बकबक करना छोड़ दो, तुम्हारे पास बिना मसाला खरीद के भी दामोदर छोटे छोटे लॉलीपॉप को भी बहुत स्वादिष्ट बनाता था, ये तुम्हारे मसाले की खूबी नहीं है, वो उसके हाथों का चमत्कार है, वो एक अच्छा बावर्ची है। कहकर दामोदर के पास आए गांव के लोग, दामोदर भाई आपका जायंट चिकन लॉलीपॉप बहुत अच्छा है, मगर हमें एक डाउट है, ना बड़ा जायंट चिकन तुम्हें कैसे मिला भाई?
पता नहीं भाई, मैंने भगवान को प्रार्थना की उनके कृपा से। ये देखो मुझे दो जायंट मुर्गे मिले हैं। अब इनके दिए हुए अंडों से बड़े बड़े जायंट मुर्गे आएंगे, उनसे मैं आपके लिए जायंट लॉलीपॉप तैयार करूंगा, कहकर झूठ बोला। दामोदर को बगल में बुलाकर मालिनी, पिताजी आपने झूठ बोलकर अच्छा किया है, किसी को भी अपने जैन चिकन फार्मा के बारे में मत बताओ। मैं क्यों कहूंगा बेटी, मैं बहुत बड़ा बुद्धू हूं कहकर तुम्हारी माँ कहती है, मगर मैं बहुत बड़ा अकलमंद हूँ, कहते ही मालिनी दमयंती हंसने लगे। तब से वो जाइंट मुर्गियों से जाइंट चिकन लॉलीपॉप को तैयार करके उन्हें बेचकर खुशी से व्यापार करते हुए जीने लगे।